जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जी माशाल्लाह से नए कबूतर सारे निकाले हैं बाहर, 10 में से वो एक टावर पे जा रहे हैं, वो भी वापस आ रहा है, देखते हैं आगे क्या करता है। ये जा रहा है वो सेब्बे वाला कबूतर है, ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है परिंदा है, लेकिन आज पता नहीं फर्स्ट टाइम ही निकाला है ये। आ जाओ ये बैठ के हैं नीचे, और अभी ये ऊपर हैं 2 4 5, बीच में से कबूतर कोई कम भी है, 10 उड़ाए थे, अभी देखते हैं कितने बैठ गए हैं। जी वो माशाल्लाह से बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक नीचे बैठ गया, 7 कबूतर बैठ चुके हैं, 3 ये हैं, 10 पूरे हैं माशाल्लाह से। ये आते जा रहे हैं, ये तो पास कबूतर है माशाल्लाह से, जीरा बहुत ही प्यारा है। ये भी आ रहे हैं, 10 उड़ाए थे अभी। ये सारे जितने भी हैं ये सब न्यू पिजन है, कोई भी पुराना नहीं है इनमें, पुराने तो टोटल 7 पिजन है, वो जो मेरे टूर्नामेंट में उड़े हुए हैं वो उनको तो इंशाल्लाह 25 26 के बाद ही निकालूंगा बाहर। ये पत्रों वाली मादी है, न्यू पकड़ी थी एक, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी ये इधर ही पकी हो चुकी है, बहुत ही आउट क्लास मादी है। अभी भी ये बैठने पे आई हुई है, देखते हैं कि अभी और कितना तक टाइम लेती है ये बैठती है। ये कबूतर है मेरा, ये खमगर कबूतर है मेरा माशाल्लाह से, ये बहुत ही आउट क्लास पिजन है। अभी मैं आपको ऊपर जाकर इनका शो करवाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह सारे बैठ गए हैं, ये सेबे वाला कबूतर, ये इधर आकर चिमड़ गया जाली के साथ, फर्स्ट टाइम ही निकाला है, तो टावर पे जाना इसका फर्स्ट था, जाहिर सी बात है इतना सोल पिजन है, लेकिन माशा अल्लाह का शुक्र है बैठा नहीं है, अगर बैठ जाता तो फिर ये किसी काम का नहीं था मेरे। फिर ये वो देखें वो उल्टियाँ कर रहे हैं अभी, दस निकाले थे माशाल्लाह, 10 के 10 ही बैठ गए हैं। इनमें से कुछ पकड़े हुए हैं पिजन्स, पत्थरों वाली मादा, एक कबूतर और निकालना था मैंने, वो नहीं मिला मुझे। वो कबूतर वो शायद अंदर होगा, उसका मैं शो करवाता हूँ। नहीं है इधर भी, इधर नहीं है, इनमें से ये बैठा हुआ है, ये लाल, ये इसको निकालना था, ये अंदर गया है मुझे मिला ही नहीं है। और ये देखें सोल कबूतर की, ये नीचे गिजा हुआ है, ये नीचे ही बैठेगा आकर, ये देखा
इसकी हालत ही नहीं है। ये जब पकड़ा था तब भी ऐसे ही पकड़ा था बिल्कुल ख़त्म। आज भी ये देखने फर्स्ट टाइम इसने फ्लाई की है और ख़त्म पड़ा हुआ है। अभी इसको अंदर छोदी जला गया। ये अगर आप देखें तो माशाल्लाह से ये ब्रीडर भी बन सकता है अगर बनाएं तो, फ्लाई के लिहाज से भी अच्छा। ये मैंने जेठ में पकड़ा था, तकरीबन 2-2.5 का टाइम था, ऊपर आकर ये पड़ा हुआ था और जिस मादी के साथ इसने पैर बनाया हुआ है वो मैंने 3:30 बजे पकड़ी थी जेठ में। वो चीनी मादी है, ये सेबे वाला कबूतर है माशाल्लाह। जी फिर अभी इनको बंद करके आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फिर ये एक वैसे बच्चा पकड़ा था मैंने काफ़ी ना, जिस दिन पर पटाई करनी थी ना उससे ठीक एक दिन पहले, ये जो ऊपर जा रहा जाली के साथ, ये भी माशाल्लाह से पक्का हो चुका है। उड़ाता हूँ, ये बुज़ुर्ग हैं खुडे के, ये नहीं उड़ते। और भी माशाल्लाह से ये एक लट्ठा पड़ा हुआ है मेरे पास एक्स्ट्रा, ये किसी काम का नहीं है हमारे, अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे बता दें, बिल्कुल फ्री मिलेगा। और भी ये एक मादा, सिर्फ ये एक पूर कबूतरों में से, ये जो एक डब वाली मादा है ये नहीं उड़ानी, बाकी सारे उड़ाने हैं। ये उस्ताद ने बोला कि ब्रीडिंग के लिए रोकनी है तो ये ब्रीडिंग के लिए। और ये एक पिलख है लाखा लो फ्लायर, ये भी किसी काम का नहीं है लेकिन इसको रखेंगे शौक के लिए ऐसे ही ना, इसका कदर माशाल्लाह से प्यार है और लाखों का तो मुझे शौक भी है। ये माशाल्लाह से ये इनकी हालतें हो चुकी हैं, फर्स्ट टाइम फ्लाई है अभी, इसको क्या बोलते हैं, सावन नहीं है, पादरे नहीं चढ़ा अभी, हमारे में तो वैसे ही बोलते हैं पंजाबी में। तो अस्सू में टूर्नामेंट है इंशाल्लाह, फिर अस्सू का शौक करवाएंगे आपको। ये तो अभी बस ऐसे ही मैं उठाऊं, आज लेट पिजन खोले हैं तो सोचा कि चलो उड़ा ही देते हैं। ये माशाल्लाह से जाल है, 25 फीट हाइट है और ये टावर है सामने, एक वो टावर है। ये दो टावर ने कबूतर के लिए और हमारे लिए अच्छे साबित नहीं होते, जैसे कि ये अभी ये सेबे वाला बैठने लगा था, अगर ये बैठ गया था तो ये हमारे किसी काम का नहीं था, जाहिर सी बात है। फिर जब भी मैंने इसको उड़ाना था इसने उधर ही जाना था। टूर्नामेंट में ऐसे तो नहीं चलता, टूर्नामेंट में होता है कि जो कबूतर घर बैठे वो ही है, चाहे वो 10 घंटे लेकर आए चाहे वो 10 मिनट लेकर आए, असल वैल्यू जो घर बैठने वाले की है। अगर कोई टावर पर या इधर उधर बैठता है तो वो कुछ भी नहीं है जी। फिर वो देखें वो चीना कबूतर भी डब वाला, ये बस अभी ये सोल हैं, दाने भी नहीं हज़म किए हुए तो मैंने उड़ा दिए, उल्टियां कर रहे हैं जी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।